अभी तक यहाँ सप्लाई आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिलासपुर में, बिलासपुर से इधर एक आगे लाइन गया 33 का, तो वो 33 से यहाँ पे हमने क्या लिया है, पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको क्या है आपका, एवी स्विच है ना, एयर ब्रेक सर्किट। ये क्या होगा, ये मैनुअली ऑपरेट कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बस बार वाला सेक्शन है, इसमें तीनों फेज के लिए अलग अलग है, अलग अलग बसेस है कि नहीं, आर वाई और बी फेस। देखो इसमें क्या है, डबल इंसुलेटर लगा हुआ है, दिख रहा है डबल इंसुलेटर, लेकिन उधर आपका साइड छोटा दिख नहीं है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से कंडक्टर खींच रहे हैं, ये वर्टिकल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वहाँ, यहाँ से कंडक्टर से दोनों में कोई अंतर है नहीं, वोल्टेज रेटिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों में सेम है, बट इसकी बनावट की वजह से ये दोनों तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नाइटेड है, बेसिकली देखा जाए तो पीटी पे पहले लगा हुआ है पीटी, ठीक है, ये जितना भी सीटी पीटी और आपका सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सेप दिखा होगा, फर्स्ट बार देखे हो हॉलो सिलेंड्रिकल शेप का था। और देख रहे हैं पहली बार ऐसा मौका मिला है हम लोग को लाइव देखने का, चार्जिंग कैसे होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, बेसिकली क्या ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स और एसेसरीज यूज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 33 ये चार्ज हो चुका है 33 का, लेकिन क्लोज होगा, यहाँ पे एक हैंडल है, टेस्टिंग जो कर रहे हैं, टेस्टिंग कम्प्लीट होने के बाद वहाँ पर टेस्टिंग टीम है, आप देख यहाँ पर आए हुए और टेस्टिंग करते हुए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अर्थ रेजिस्टेंस देखा, अर्थ रेजिस्टेंस चेक किया, जिसमें से डिजिटल अर्थ टेस्टर का यूज़ किया, उन्हें ज़्यादा बेटर है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में एक ओम से कम को भी कंसिडर कर लिया जाता है, आसपास है, लेकिन अभी जो हमने टेस्ट किया न्यूट्रल का रेजिस्टेंस ज़्यादा आने की वजह से हम जो अर्थिंग हुआ है उस अर्थिंग में फिर से देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए फिर से अभी टेस्टिंग टीम वहाँ पर अर्थ रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो रेजिस्टेंस 6 ओम के आसपास था, तो अब उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, 1 ओम से कम करने के लिए हमने क्लैंप को चेंज किया, बायोमेटेलिक क्लैंप लगाए, पहले एक सिंगल मेटेलिक क्लिप था, बायोमेटेलिक क्लिप लगाया, अब उसके बाद फिर तब भी कम नहीं हो रहा है, तब हमने क्या किया कि मेस कनेक्टेड अर्थिंग से उसको कनेक्ट किया, तो देखते हैं, आई होप रेजिस्टेंस कम हो सकता है उसका, 1 ओम से अगर कम होगा फिर आगे की टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ट्रांसफार्मर तक पहुँचे हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन आया हुआ है जो बिलासपुर से आया, और उसके बाद आप यहाँ पे पहले पोर्सलिन का इंसुलेटर यूज़ होता था पहले, लेकिन अब किसका यूज़ होता है, सर कंटिन्यू कर रहा हूँ, 3, 2, 1 पॉलीमर का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि इसका हाई वोल्टेज को विथस्टैंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और पहले चार्जिंग करते करते ही परेशान हो जाते थे सीएससीबी की टीम, क्योंकि पंक्चर बहुत ज़्यादा होता था पोर्सलिन वाला, अब क्या किया उन्होंने, उसे रिप्लेस कर दिया इसे, और उसके बाद आपको दिखेगा जब जैसे ही हम लोग पूरा टेस्टिंग कम्प्लीट होने के बाद सबसे पहला कनेक्शन किसको करेंगे, सबसे पहला कनेक्शन सब चीज़ कम्प्लीट होने के बाद हम आइसोलेटर को करेंगे, आइसोलेटर कंप्लीट होने के बाद फिर हम कनेक्ट करेंगे इस एबी स्विच को, फिर जैसे ही हमारा स्विच यार्ड कंप्लीट हो जाएगा, इधर आ जाइए, ई क्लैंप है इसमें यूज़ होने वाला, बेसिकली क्या करते हैं इसको जंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी तरह आपको दिख रहा होगा ये, बताइए ये क्या है, ग्रैफर, ठीक है, तो इस ग्रैफर से क्या करते हैं हम लोग जनरली, इस वाले नट बोल्ट को ढीला करके हम कंडक्टर को खींचते हैं, और टेंशन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे, इस पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ से और यहाँ पे टाइट करते हैं, ये एंड पॉइंट होता है, ठीक है, और तो ये क्या है आपका डिश टाइप इंसुलेटर, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस और पिन टाइप, लेकिन
ये वर्टिकल होता है जनरली, आपका ये जो इंसुलेटर होता है ये वर्टिकल होता है जो कंडक्टर को होल्ड करता है, ठीक है। और आपका ये वाला क्या काम करता है, जनरली ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगा होता है, आप ज़्यादातर देख सकते हो इस दो बस बार को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो उसको टेंशन देने के लिए, खींच के रखने के लिए, ठीक है। ओके, इंसुलेटर का काम बेसिकली क्या होता है, ऑफ कंडीशन जब आप एवी स्विच को डिसकनेक्ट करते हो, इसके बाद इस पूरे सब स्टेशन को आइसोलेट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, इस आइसोलेटर का यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस आइसोलेटर को आप इस तरह से घुमा के, आप इस तरह से घुमा के ये हैंडल लेस चलाए, इस तरह से घुमा के वो जो दो पॉइंट दिख रहे हैं सर, ये रॉड है, रॉड रॉड है, ये इस तरह से घूमेगा, ये घूमने से क्या होगा, डिसकनेक्ट होगा। तो जनरली इसे नो लोड की कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है हमेशा याद रखना इसे। सर ओके, पॉज कर लीजिए। तीनों फेस एक साथ डिसकनेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल, तीनों फेस एक साथ डिसकनेक्ट होता है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बैकलाइट का पाइप है, उस ब्राउन कलर का पाइप दिख रहा होगा, वो वाला पाइप जो पिन इंसुलेटर के ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है, वो बैकलाइट का पाइप है। उसके ऊपर, उसके अंदर एक डीओ फ्यूज होता है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ग्रिड पे आएंगे हम लोग, ये हमारा ग्रिड है, इस सेक्शन में पीटी लगा हुआ है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, जो 33 किलोवोल्ट, क्योंकि ये हमारा स्विचर 33/11 किलोवोल्ट का है, तो 33 से वो 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद वो 110 वोल्ट हमारे कहाँ जाता है, ये हमारे कंट्रोल पैनल केबल्स के थ्रू यहाँ पे आपको केबल देखने को मिल रहा है। ये जो केबल्स हैं, इस केबल से सीटीपीटी सर्किट ब्रेकर्स के कंट्रोल इन्हीं से कनेक्टेड है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो तीन सेक्शन है, एक दो और तीन। ऑपरेशन जो भी ऑपरेटिंग हो रहा है उसके साथ साथ एक हमेशा एक बैकअप रखा जाता है ताकि रिलायबिलिटी मेंटेन किया जा सके। अगर एक लाइन में फॉल्ट आता है तो दूसरा भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी एक ये था और दूसरा और तीसरा यहाँ पे आज कनेक्टेड है, बस बार पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके बाद हर फेस में कनेक्टेड है, आर वाई बी तीन फेस है, उसमें इंडिविजुअल अलग अलग फेस के अलग अलग बसेस हैं और अलग अलग पीटी लगे हुए हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सेंट पे दिख रहे होंगे और इस सेंट पे भी लगे होंगे। हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम ऑक्सिलरी सप्लाई डीसी से देते हैं। बेसिकली क्या होता है, मेरे बैकअप सप्लाई बोल सकते हो इसे, हमारे इस सर्किट ब्रेकर को के जितने भी एक्चुएटिंग वो है फाइल्स है उनको मैग्नेटाइज करने के बेसिकली। तो यहाँ पे फिलहाल तो रिपेयरिंग चल रहा है कुछ, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है चार्ज जाता है, जब ये चार्ज होता है तो उसके बाद हम इस लीवर कल और सेलेक्टर स्विच है रिमोट, तो अगर हम इसे रिमोट में सेट करेंगे तो इसे हम कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर इन केस ऑफ कंट्रोल रूम से कंट्रोल नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्टर स्विच लोकल में सेलेक्ट करेंगे, जिससे हम इसे यहीं से इसी सर्किट ब्रेकर के पास से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी ये SO1 लिखा हुआ है तो इस अभी फिलहाल न्यूट्रल पे है, जैसे ही हमने एनर्जाइज किया, एनर्जाइज करने के बाद क्लोज में करेंगे तो हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा, मतलब हमारे मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट का क्या हो जाएगा, प्रॉपर कॉन्टेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अगर इसे डिसकनेक्ट करना है तो हम ट्रिप, इसी को हम किस में कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रिप में ला सकते हैं। तो ये सेलेक्टर स्विच लोकल भी है और रिमोट भी है, तो वहाँ से भी हो सकता है, कंट्रोल पैनल से, कंट्रोल रूम से, और यहाँ से भी। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को जनरली 66 किलोवाट तक यूज़ करता है, उसके ऊपर मॉडर्न एरा में SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है,
कैसा कैसा कनेक्शन है, 30 वोल्ट डीसी सप्लाई ऑक्सिलरी के रूप में दिया जा रहा है वो भी है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं आप। अगर होगा तो छीन के लगा देता हूँ, नहीं होगा तो छोड़वा दिए। तो ये दो ट्रिपिंग कॉइल है, ये दो ट्रिपिंग कॉइल है और ये आपका क्लोजिंग कॉइल। ये आपका सर्किट ब्रेकर चार्ज हो चुका है। इसके बाद आप इस से, मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं कि आप रिमोट से कंट्रोल रूम से कर सकते हैं, और अगर लोकल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने लोकल सेट किया है तो आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने का मतलब है मूविंग कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट वो दोनों जुड़ जाएंगे जब आप क्लोज करोगे। तो सर सर हैंडल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे, सर्किट ब्रेकर मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट को, जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट को टच करेगा इसका मतलब क्लोज होना, तो सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन है। जैसे ही कोई भी फॉल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाएगा, रिले सेंस करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सर्किट ब्रेकर। लेकिन इन केस ऑफ किसी कारणवश आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं, रूम से भी आप ट्रिप करना चाहे नहीं हुआ, उस केस में आप इसे मैनुअली आप खुद इसे करके ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, लगभग ये आपका सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन है। ठीक है, इसे कई तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे एक रॉड है यहाँ पे, इस रॉड के थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट लीवर को फंसा के उठा सकते हैं, तब भी ये चार्ज हो जाएगा। स्लो मोशन इसे स्लो मोशन चार्ज हो लगा। और ये है हमारे टेक्नीशियन से सब। सर आपका नाम बता दीजिए। पुष्कर्मा। और ये हमारे राजू कश्यप जी हैं टेक्नीशियन हमारे साथ। एक बार अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर दिखाइए इधर, जो मेरे साथ आए हुए हैं। ठीक, तो अब हम सर्किट ब्रेकर के बाद आ चुके हैं हमारे सीटी पे। सीटी पे आपको दिखेगा इसमें दो है, 200x100 2x5 एम्पियर। ठीक है, मीन्स आप 200 या 100 से 5 एम्पियर में आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये वायर दिख रहे हैं इसी को बड़े सब स्टेशनों में बोला जा सकता है। आजकल वायरलेस यूज होता है, जैसे पावर ग्रिड में वायरलेस, ये सब वायर जो पीछे यहाँ पे वायर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मीडियम। ठीक है, आपका सब स्टेशन यहाँ पे है, कंट्रोल रूम कहीं और पे, उस केस में वायरलेस ज्यादा खरी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ऊपर लाइटनिंग रजिस्टर लगा हुआ है। एलए वोल्टेज लाइटनिंग रजिस्टर को फेस और सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट फेस से और दूसरे पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने। किससे प्रोटेक्ट करने से, बेसिकली क्या होता है कि जिस बरसात के मौसम में जब बारिश होता है, लाइटनिंग होता है, तो उस केस में गाज गिरता है, लाइटनिंग होता है, तो उससे हमारे जितने भी टूल्स मशीन्स हैं उसे डैमेज ना करें। जैसे सीटी पीटी इन सबको, ट्रांसफार्मर को, इन सबको प्रोटेक्ट करने, लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटनिंग रजिस्टर का यूज करते हैं। फिलहाल अभी वो क्लोज नहीं है, यहाँ पे एक बैकलाइट का वो और डीओ फ्यूज लगेगा, उसके बाद ही आप देख सकते हैं का होता है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को डिस्क्लोज करके रखता है और अंदर से एक डीओ फ्यूज आता है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीओ फ्यूज फंसा के रखेंगे। जैसे ही वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ पे एक होल है, ये वहाँ पे जाके फंस जाएगा, ये वहाँ पे जाके फंसेगा। लेकिन इन केस ऑफ जब डीओ लोड बढ़ने की वजह से आपका डीओ फ्यूज जल गया, तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक जलने की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट होगा। ठीक,
ड्यू फ्यूज के बाद आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर सेक्शन। तो ड्यू फ्यूज बेसिकली सीपी और ट्रांसफार्मर के बीच में कनेक्टेड था। तो आपको ड्यू फ्यूज बड़ा हो जाए बाद आपको ये सेक्शन मिलेगा ट्रांसफार्मर सेक्शन। इसके बराबर हमारा 5 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है जो 33/11 kV के रेटिंग, इसका वोल्टेज रेटिंग टेस्टिंग टीम के सुपरवाइजर हैं। टेस्टिंग टीम के सीएससीबी के जिन्होंने अर्थ टेस्ट किया अभी, और दूसरा इसने भी सीटी थे, सीटी के बॉडी से जो अर्थिंग था उसको टेस्ट किया, ट्रांसफार्मर की बॉडी का फेस टू फेस आर फेस और वाई फेस के बीच में कंटिन्यूटी टेस्ट किया, और न्यूट्रल और बॉडी के बीच में भी टेस्ट किया। बेसिकली सभी जितने भी अर्थ रिलेटेड टेस्टिंग किया सर ने किया। सर आपका नाम? एस के दीवान सर है हमारे बीच, और ये बहुत ही सीनियर है हमारे सीएससीबी में। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पे दो मीटर आपको दिख रहा होगा, एक है ऑयल टेस्टिंग इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर जो ऑयल के टेम्परेचर को बताता है, और दूसरा है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ठीक है, तो आप पे 2 मीटर लगे हुए हैं और डिग्री सेल्सियस में बताया गया। ठीक है, ये सर इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, वॉल्व। ये वॉल्व है ऑयल, जब हाँ ड्रेनेज वॉल्व, जब ऑयल ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ से ऑयल को निकालते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में लगभग 2100 kg के आसपास ऑयल, 2100 लीटर के आसपास इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल हो रहा है। और उसी तरह हमारे पास सोर्स के लिए इनलेट बोल सकते हैं उसे, ट्रांसफार्मर में ऑयल डालना होता है तो वहाँ से डालते हैं। जो बेसिकली ट्रांसफार्मर में कूलिंग का काम करता है, जब ऑयल गर्म होकर ऊपर उठता है तो वो फैलता है, तो फैलने की वजह से क्या होता है, ये विंग्स में जो ऑयल था ऊपर से नीचे की ओर सर्कुलेट करता है, जिससे आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है। और जिनकी वजह से आप सभी का साइट विजिट हुआ है, और आज चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है, इसलिए आप लोग बहुत लकी हो कि चार्जिंग का काम देखना पड़ा, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग की होगी इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो सर ने बहुत कोऑपरेट किया, हमारे वाजपेयी सर भी हैं ई, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, और एसी सर हैं कश्यप सर, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो इन सब के कोऑपरेशन की वजह से ही आज आप लोग का विजिट संभव हो पाया है, और आज आपको ये चार्जिंग का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। हमारे भी जो आपको दिख रहे हैं ट्रांसफार्मर में फिर से ये ड्रेन के लिए लगाया गया है, ऑयल निकालना होता है, चलाना हो जाता है सब स्टेट में, और आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखने को मिलेगी। आप ट्रांसफार्मर की रेटिंग देख सकते हैं कितना पावर का है, कितना फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, नो लोड, और आपको सब कुछ नो लोड लॉसेज और लोड लॉसेज सब कुछ देखने का आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर में आपको देख रही ये ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर लगा हुआ है, आपको मिलेगा कंजर्वेटर टैंक में जनरली 1/3 ऑयल भरा होता है। ठीक है, और आपको ये सिलिका जेल रिवर बोलता है, रिवर में हमेशा सिलिका जेल का म्यूजिक जनरली लाइट ब्लू कलर का होता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, लेकिन आजकल ऑरेंज कलर का यूज होता है, लाइट ऑरेंज कलर का यूज होता है, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करते हैं। ये आपका टैंक जो है, इस टैंक में ऑयल 1/3 भरा हुआ है। जैसे हम कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में एक बोला बकुल रिले, बेसिकली ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को प्रोटेक्ट या सेंस करने के लिए हम बकुल रिले का यूज करते हैं। बकुल रिले गैस एक्चुएटिंग रिले होता है। ठीक है, जनरली इसमें जब वाइंडिंग गर्म होता है तो वाइंडिंग गर्म होने के बाद कोर गर्म होना, और वाइंडिंग तीसरा होता है वाइंडिंग में हॉट स्पॉट जनरेट होना, और चौथा होता है कोर में हॉट स्पॉट जनरेट होना, जिससे एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ऑयल वेपराइज हो जाता है, और ऑयल वेपराइज होने की वजह से ऑयल का लेवल कम होता है, तो पहले अलार्म देता है, एक लेवल तक अलार्म देगा, जब अलार्म भी काम नहीं कर पाया उस केस में, आपके ऑपरेटर्स काम नहीं कर पाए उस केस में, तो उस केस में आपका दूसरा एक और कॉन्टेक्ट रहता है, वो भी ऑयल लेवल कम होने के बाद सीधा ट्रिप हो जाता है, ट्रिप सिग्नल देता है, ट्रिप हो जाता है।
उसके बाद क्या होता है बेसिकली आपको बकुल्स रिले के साइड में आपको एक दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ऑयल का लेवल, कि ऑयल का लेवल कितना है वहाँ पे आपको दिखेगा। और दूसरा आपको एक्सप्लोजिव वेंट, उसके साइड में एक एक्सप्लोजिव वेंट लगा हुआ है, जिस तरह स्पीकर में डायफ्राम होता है उसी तरह इसमें भी डायफ्राम होता है। जब ट्रांसफार्मर में एक्सेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से इमरजेंसी केस में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो उसलिए उस डायफ्राम फटने की वजह से वहाँ से प्रेशर रिलीज होता है। और ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी मीटर है और सेकेंडरी आपका है स्टार थ्री फेज फोर वायर, है ना, थ्री फेज फोर वायर। न्यूट्रल जो है न्यूट्रल ग्राउंडेड रखा गया है, इस न्यूट्रल जनरली सब स्टेशन में सब स्टेशन होते हैं उसमें न्यूट्रल का रेजिस्टेंस 0.5 ओम से कम होता है। तो अभी हमने न्यूट्रल का रेजिस्टेंस अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया है तो वो 1 ओम से कम है तो भी चलेगा प्रैक्टिकल केस में। न्यूट्रल ग्राउंडेड रखा गया है और इसी न्यूट्रल ग्राउंडेड होने की वजह से बेसिकली ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी स्टार होने का रीजन ये होता है। पाइप में पानी जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर बढ़ेगा तो मॉइस्चर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए अर्थिंग में पानी डाला जा रहा है और ये पूरा एक सब स्टेशन को जनरली मैस अर्थिंग किया जाता है। पूरे हर एक इक्विपमेंट के लिए कॉमन अर्थिंग यूज होता है क्योंकि इससे पैरेलल अगर हर एक पाइप अर्थिंग का यूज होता है पाइप के साथ साथ नीचे मैस भी होता है, इससे क्या होता है पैरेलल में होने की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा तो जो लीकेज करंट या बोल सकते हैं न्यूट्रल से जो फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा आपका सबसे, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, चाहे वो बॉडी का हो या न्यूट्रल अनबैलेंस कंडीशन में चाहे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से करंट फ्लो हो उसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ चाहिए तो उसी के लिए रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। ये भी एक सर्किट ब्रेकर था, ट्रांसफार्मर के पहले भी एक सर्किट ब्रेकर था और उसके बाद भी सेकंड सर्किट ब्रेकर के बाद है आपका सीटी। इस सीटी का रेटिंग सेम है 200/100/5 एम्पीयर और आप देख रहे हैं इस सर्किट सीटी में ये जो ऑक्सिलरी वायर दिख रहे हैं ये जनरली केबल से कनेक्टेड है और ये केबल उस कंट्रोल केबल का कनेक्शन कंट्रोल रूम से है जहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो है या बोल सकते हो जब लोड ज़्यादा बढ़ जाए उस केस में अगर आपका सीटी सेकेंडरी से करंट ज़्यादा हो जाएगा प्रीडिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा अगर आपका करंट हो गया तो आपका सर्किट ब्रेकर को वो ट्रिप सिग्नल देगा जिससे क्या होगा आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। सीटी और जो हमारे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं जिस प्लेट से भी लगा हुआ है उसे हमने प्लेट के थ्रू अर्थिंग या ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है ताकि लीकेज करेंट जो भी हो वो ग्राउंड में चला जाए, किसी भी इंसान को कोई भी हार्मफुल या डैमेज ना हो, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इसे अर्थिंग नहीं करेंगे इन केस ऑफ अगर हम इसे टच करते हैं लीकेज करेंट ज़्यादा होने से आपको भी शॉक लग सकता है। और आपको पता है कि 15 mA से ज़्यादा शॉक करेंट अगर किसी की बॉडी में फ्लो होता है तो आदमी मर सकता है क्योंकि हाई वोल्टेज है। आगे चलते हैं और कृपया इससे दूर रहें, ये लाइव कंडक्टर है जो फिलहाल अभी टेम्पररी कनेक्शन किया गया। बच्चे होनहार बच्चे हैं, इधर दिखा दें सर्कल लो ना यार, यहाँ से सर्कल ले आगे चलते सर फिटर से स्टार्ट करते हैं सेम बस बार घर में चार्ज लोग हैं सर सर 3, 2 तो ये जो हमारा स्विच यार्ड है 11 kV का स्विच यार्ड है और इस स्विच यार्ड में आपको सेम जैसा 33 kV का स्विच यार्ड था उसी तरह 11 kV का स्विच यार्ड है, उसमें जो इंसुलेटर लगे हुए उसका रेटिंग 33 kV के अकॉर्डिंग लगा हुआ था
और यहाँ पे आपको 11 किलो वोल्ट, इसलिए इसका जो साइज है वो एज कम्पेयर टू 33 किलो वोल्ट यहाँ का जो साइज है वो छोटा दिखेगा, ठीक है। इवन आप चाहे पोर्सिलिन वाला देखें चाहे पॉली, पोर्सिलिन वाले का भी साइज छोटा है, चाहे वो पिन टाइप हो चाहे डिस्क टाइप। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है, ये आपका आइसोलेटर, आइसोलेटर लेकिन हमारा 11 किलो वोल्ट बेसिकली क्या होगा कि हमारा T2 जो होता है एक प्रोटेक्टिंग एलिमेंट होता है, वो क्या करता है सेंस करता है वोल्टेज को। और ये जो आपका PT है ये आपको 11/110 वोल्ट का PT है आप, और वो हमारा था 33/110 वो 33 किलो वोल्ट की स्विच एड में लगा है। यहाँ पे जो हमारा 11 किलो वोल्ट/110 वोल्ट PT सेकेंडरी का जो कनेक्शन है वो केबल के थ्रू होते हुए कंट्रोल रूम में है जहाँ हम उसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम फंक्शन इसका भी है, इसका भी काम है तीनों को डिस्कनेक्ट करें, R, Y और B तीनों फेज को एक साथ डिस्कनेक्ट, तीनों बस बार का कनेक्शन है आपको वहाँ भी दिखेगा। इसमें आपको 4 और 5 सेक्शन दिखेंगे आपको, सिमिलर वहाँ भी कितने सेक्शन थे वहाँ भी 3 सेक्शन थे, 33 किलो वोल्ट में बस बार 3 सेक्शन थे, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था इनपुट को, और आउटपुट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, हर सेक्शन के लिए अलग अलग आइसोलेटर का यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं। बस बार से, बस बार के बाद आपको आपको मिलेगा सर्किट ब्रेकर। ये जो सर्किट ब्रेकर है आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 किलो वोल्ट इसका वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, और इसका नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग है 1250 एम्पीयर। लेकिन ये सिस्टम ब्रेकिंग कैपेसिटी ये 25 किलो एम्पीयर तक ये ब्रेक कर सकता है, 25 किलो एम्पीयर तक ये ब्रेक कर सकता है, और ड्यूरेशन है 3 सेकेंड। सेम ऑपरेटिंग जैसा हमने 33 वाले में देखा उसी तरह 11 किलो वोल्ट वाले में भी देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर में, इसमें आपको देखने को मिल रहा है सेम जैसे हैंडल से घुमा के हम चार्ज करते हैं डायरेक्ट हम इस रॉड से, इस रॉड के थ्रू भी इसे चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह ये क्लोज के लिए डायरेक्ट बटन है और ये ट्रिप के लिए भी डायरेक्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सेलेक्टर स्विच है सेम फंक्शन 33 वाले में भी था इसमें भी, अगर हम रिमोट से रिमोट में सेट करेंगे तो हम कंट्रोल पैनल्स कंट्रोल रूम से इसको ऑपरेट करेंगे, उसी तरह अगर हम लोकल में सेट करेंगे तो हम इसे इसी हैंडल से ही क्लोज और ट्रिप करा सकते हैं, ठीक है। ये जो है मैन्युफैक्चरर है इसके भेल, जो कि इंडिया के लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और इसके आगे आपको देखने को मिलेगा सिटी, इस सिटी फिलहाल अभी एक 5 MVA का ट्रांसफार्मर, एक 5 MVA का ट्रांसफार्मर एक्टिवेट किया जा रहा है या बोल सकते चार्जिंग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से एक ट्रांसफार्मर से 3 फीडर निकाला गया फिलहाल अभी, क्योंकि एक फीडर के लिए एक सर्किट ब्रेकर, दूसरे के लिए ये सामने और अगला भी ये कनेक्टेड है, तीनों अलग अलग हैं, तीन अलग अलग फीडर से, एक फीडर, 2 फीडर, 3 फीडर। और ये आपको ये सर्किट ब्रेकर के बाद आपको मिलेगा आपको CT, और इस CT का जो सेकेंडरी बोला जा सकता है उस सेकेंडरी का कनेक्शन है यहाँ से, बेसिकली आपको कहाँ से मिल रहा है यहाँ से, ये CT सेकेंडरी का कनेक्शन है जो किसे हमारे कम्युनिकेशन लाइन का मतलब यहाँ पे टेलीफोनी से नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब है हम यहाँ पे जो भी करेंट कम या ज़्यादा हो रहा है उसे हम देख सकते हैं, कहाँ से देखेंगे हमारे कंट्रोल रूम से, क्योंकि केबल्स जो बिछे हुए हैं ये जो केबल्स कनेक्टेड हैं ये केबल्स का कनेक्ट पूरे कंट्रोल रूम से। इस आइसोलेटर इसे हम आइसोलेटर ये सेम आइसोलेटर है बट इसे हम AB स्विच बोलते हैं बेसिकली, ये हमारा जो CT से कनेक्टेड है उसे हमारे फीडर में जाने से दोनों के बीच में ब्रेक करता है, ठीक है। अगला 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन दिखेंगे लेकिन फिलहाल अभी 3 लाइन अभी एक्टिव होंगे, तो आज चार्जिंग हो रहा है तो 3 ही लाइन एक्टिव होंगे, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा
जैसे ही आपका यहाँ से कनेक्शन होगा, एबी स्विच क्लोज होगा, तो आगे आपको अगेन एक एबी स्विच मिलेगा। वो एबी स्विच का कनेक्शन है आपका नीचे कैपेसिटर बैंक। उस कैपेसिटर बैंक का काम क्या है? कैपेसिटर बैंक का काम है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। नॉर्मली छत्तीसगढ़ में डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल जो भी पंप्स हैं, किसानों के लिए जो भी पंप्स गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए अलग फीडर और डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग फीडर, दोनों के लिए वो अलग अलग फीडर बिछा रही है। तो इसी के लिए ये काम एक्सटेंशन चल रहा है और लगभग ये काम आज हो जाना चाहिए। और थैंक यू आज के लिए इतना सुनने के लिए। और आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं बच्चे। हाँ अभी है सर। टाइप चबूतरा टाइप पावर ट्रांसफार्मर, आउटडोर पावर ट्रांसफार्मर है और एक ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए जो कंट्रोल रूम है उसके लिए भी ऑक्सिलरी सप्लाई लेने के लिए एक पोल माउंटेन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया, जो ट्रांसफार्मर को सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोल रूम को सप्लाई देने के लिए पैनल्स लगे हुए हैं उनको और बैटरी बैंक है उनको चार्ज करने के लिए, इसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। बाकी सबका वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम है, ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो। थैंक यू। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ट्रांसफार्मर है इंस्टॉल हुआ है प्लिंथ टाइप, मतलब चबूतरा टाइप पावर ट्रांसफार्मर है जो बेसिकली 5 MVA का है, जो आउटडोर है। इंडोर पावर ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगा, पीछे देख आपको बेसिकली इंडोर पावर ट्रांसफार्मर आपको जनरली मिलेगा जनरेटिंग स्टेशन। और इस कंट्रोल रूम को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक पोल माउंटिंग ट्रांसफार्मर है जिसको इसी 11 kV बस बार से ऑक्सिलरी सप्लाई यहीं से हम कनेक्शन देके इसे कंट्रोल रूम को सप्लाई देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कंट्रोल रूम में बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक के साथ साथ और दूसरे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट हैं, उनको भी ऑपरेट करने के लिए बेसिकली इस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर बेसिकली 100 kVA का ट्रांसफार्मर है जो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा आपके गाँव के आसपास, घर के आसपास, लेकिन ये पावर ट्रांसफार्मर आपको सिर्फ और सिर्फ सब स्टेशन में ही दिखाई देगा। थैंक यू। ये हमारा 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई 11 kV के स्विच यार्ड से दे रहे हैं, 11 kV के बस बार से दे रहे हैं। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डीओ फ्यूज से कनेक्टेड हो और डीओ फ्यूज के ऊपर में लगा है एबी स्विच। फिलहाल अभी एबी स्विच क्लोज है। अगर हम इसे नीचे करेंगे, जैसे ही नीचे करेंगे तो एबी स्विच ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, अगर हम इसे नीचे करें तो ये वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसके बाद आता है उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही वहाँ से कनेक्ट होगा आपका ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट, आपका ये जो ट्रांसफार्मर है ये 3-phase डेल्टा कनेक्टेड है। आपको इनपुट दिख रहा होगा RYB, यहाँ पे इनपुट में न्यूट्रल नहीं है तो डेल्टा है। लेकिन सेकेंडरी जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो सेकेंडरी उसका स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा 3-phase 4-wire सिस्टम होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए सिंगल फेज कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए उसका यूज़ किया जाता है। और ये इसका कंट्रोल बॉक्स है जिसमें आपके किटकैट फ्यूज लगे होंगे, जिसे डेंजर 440 वोल्ट लाइन वोल्टेज होगा और डेंजर लिखा गया खतरा, इसे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। और इसके अंदर आपको, अगर आप खोलोगे इसके अंदर, ये ऑन और ऑफ के लिए, ऑन और ऑफ के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये स्विच है। आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 phase के लिए, 1, 2 और 3 phase के लिए, ठीक है, न्यूट्रल के लिए कोई जरूरत नहीं है किटकैट फ्यूज की। तो यहाँ पे आपको 3 phase के लिए R, Y और B phase के लिए,
इसमें एक एक रेटिंग 125 125, तो दोनों मिला के हो गए 250 एम्पीयर। उसी तरह इसमें भी, उसी तरह इसमें भी, इसमें स्विच का रेटिंग दिया हुआ है बेसिकली, और ये एक ऑन ऑफ स्विच है एबीबी कंपनी का, ठीक है। बाकी सभी तो आजकल आठ फ्यूज यूज होता था, आजकल ऑटोमेटिक सभी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज यूज होता है, हो रहे हैं आजकल, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू। कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू करना। थैंक यू अविनाश एंड रोशन, आप लोगों ने अच्छा वीडियो बनाया, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद।